हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आई एम विशाल. और आज मैं आप एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ जो जिसे बोलते हैं लेबल्स. अगर आप ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ, तो हम सबको हमारे फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या सोसाइटी कोई ना कोई लेबल्स दे देती है. अब लेबल्स कैसे? लेबल्स आपके लुक्स पे हो सकते हैं कि आप बहुत अच्छे नहीं दिखते हो, या जैसे किसी के बाल वाइट होने लगते हैं तो उसको बोलने लगते हैं सब लोग बुढ़े हो गए, बुढ़ा बुढ़ा ऐसे करके बोलने लगते हैं, या कुछ भी आपकी क्वालिटी से रिलेटेड. जैसे मान लीजिए आपने किसी मोमेंट पे कोई बात हुई और आपने वहाँ पे कोई झगड़ा टाइप का हो गया, और ये चीज़ आप पे लोगों ने लेबल डाल दिया कि ये बंदा बहुत झगड़ालू है या ये हमेशा हमेशा झगड़ता है. या जो बहुत कॉमन जो ज़्यादातर फ्रेंड्स करते हैं, जैसे कोई गेट टुगेदर हुआ, कोई ड्रिंक करने लगे या कुछ भी एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें किसी को लेबल दे दिया कि ये तो टैंकर है, ये तो इतनी पीता है कि इसे कुछ होता ही नहीं है. अब क्या हो गया कि ये जो चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में घर कर जाती हैं, और हमें लगता है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो यही है सिर्फ. तो जो इंसान है वो पूरी टाइम उसी लेबल्स की तरह बिहेव करने लगता है. अब ये लेबल्स अच्छे पॉजिटिव लेबल्स भी हो सकते हैं या नेगेटिव लेबल्स भी हो सकते हैं. पॉजिटिव लेबल्स, जैसे आपको बोला जाए कि जैसे आप बहुत मुस्कुराते हो या आप हमेशा एक पॉजिटिव इंसान हो, तो ये एक पॉजिटिव लेबल है, किसी ने आपको एक पॉजिटिव लेबल दिया है. लेकिन अगर आपको नेगेटिव लेबल दे दिए किसी ने, जैसे ये तो बंदा मान लो बोल दिया आपको आप दारूबाज हो, आप हमेशा ड्रिंक करते रहते हो, अब ये नेगेटिव लेबल है और ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करता है लाइफ पे, क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ. मतलब मेरे को फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं, मेरे को फैमिली मेम्बर्स ऐसे बोलते हैं, या मेरे टीचर्स ऐसे बोलते हैं, या सोसाइटी में लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, तो मैं ऐसा ही हूँ. मैं सिर्फ आज आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है इन चीज़ों से. जस्ट स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, जस्ट टेक अ ब्रेक एंड जस्ट आस्क योर सेल्फ, क्या आप एग्जैक्टली वही लेवल की तरह बिहेव कर रहे हो? क्या आप अपनी तरह नहीं बिहेव कर रहे हो? आप एग्जैक्टली जैसा लोगों ने आपको बोला है आप बिल्कुल वैसे ही चलते चले जा रहे हो? आई थिंक अगर आप उसको ध्यान से सोचोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे, या तो आप उन लेबल्स के एग्जैक्टली तरह चलते जा रहे हो, जैसे आपको लेबल दिए गए हैं आप बिल्कुल वैसे फॉलो करते जा रहे हो, जैसे आपने लोगों ने आपका कैरेक्टर बताया है आप बिल्कुल उसी कैरेक्टर्स पे चलते चले जा रहे हो, और या आप काफ़ी करेजियस हो और उस लेबल्स के अगेंस्ट जा रहे हो. जैसे किसी ने आपको कोई नेगेटिव लेबल दिया तो आप उस बंदे को फाइट कर रहे हो आप, और उस बंदे के लेबल के अगेंस्ट जा रहे हो. जैसे किसी ने बोल दिया आपको कि आप लाइफ में बहुत पैसा नहीं कमा पाओगे या आप बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, किसी ने आपको ऐसा लेबल दे दिया, अब आप उसी बंदे को गलत प्रूफ करने में उस लेबल के अगेंस्ट जाते जा रहे हो. मतलब आप ज़्यादा पैसा कमा के दिखा रहे हो, ज़्यादा सक्सेसफुल होके दिखा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं, और उस बंदे को लग रहा है कि आप तो कुछ कर नहीं सकते थे लेकिन आपने सब करके दिखा दिया, और इससे आपको काफ़ी खुशी हो रही है. लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे आप लेबल्स के अकॉर्डिंग जाओ, जैसे आपको लेबल दिए गए बिल्कुल वैसे जाओ, या लेबल के अगेंस्ट जाओ, 2 मिनट के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो लेबल्स जो लोगों ने आपको दिए हैं, ये लेबल्स आपने खुद अपने पे लगाए हैं या यही आप हो क्या? इज दिस योर ट्रू नेचर? चांसेस आर आप जब उसको ध्यान से सोचोगे तो आप अपने लेबल्स खुद चूज कर सकते हो, खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस टाइप के पर्सन हो आप, कैसे लेबल्स आप अपने लिए लगाना चाहोगे. जैसे मैं तो कहना चाहूँगा, मेरे तो फ्रेंड्स मेरे को बहुत गंदे गंदे लेबल्स देते थे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लाइक गुड लुकिंग थे और मैं उतना गुड लुकिंग नहीं था, तो वो मुझे मतलब ऐसे लेबल्स देते थे जो मेरे को ऐसे लगता था कि लाइक आई एम रियली रियली अगली, एंड आई यूज़ टू थिंक लाइक दिस इज़ वॉट इट इज़. बट देन आई मेट पीपल हु काइंड ऑफ गेव मी डिफरेंट काइंड ऑफ लेबल्स. जैसे जो सबसे पहला मुझे पॉजिटिव लेबल मिला था वो मुझे एक स्ट्रेंजर ने दिया था. मैं वॉक कर रहा था ऐसी लखनऊ में, तो वहाँ पे एक मेरे को बंदा मिला, उसने मेरे को बोला कि बॉस मैं आपके 2 मिनट लूँगा, हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड दिस इज़ रिगार्डिंग समथिंग एंड ऑल दैट स्टफ़, बहुत सालों की पहले की बात है, बट आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू, विल यू कम?
सो मेरे को उस बंदे से मिलके बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग होगी, तो मैंने उसे कहा श्योरली आई विल कम। अब नेक्स्ट डे जब मैं एग्जैक्ट टाइम पे वहाँ पे पहुँच गया मीटिंग पे, तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि विशाल यू आर मैन ऑफ वर्ड्स। अब मैन ऑफ वर्ड्स मेरे को लगा कि यार ये तो मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब कि अगर आप कुछ कहते हो तो आप उसे पूरा करते हो। सो आई लव दिस लेबल, दैट यू नो दिस इज अ नाइस लेबल, सो आई वुड लाइक टू कीप दिस लेबल विद मी, दैट ओके फाइन आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, लाइक इफ आई गिव माई वर्ड्स देन आई हैव टू स्टिक टू इट। मतलब मुझे अगर या तो मैं कुछ कमिट नहीं करूं, लेकिन अगर मैंने कमिट किया है तो उसको पूरा करूं। आई मीन आई वुड लाइक टू हैव दैट एटलीस्ट लेवल विद मी। उसके बाद मेरे को एक नेगेटिव लेबल दिया अगेन मेरे फ्रेंड ने। जैसे हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि पैसे कम होते हैं और बिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी रेंट देना है, खाने के खर्चे हैं और मोबाइल के खर्चे हैं बहुत सारे, और इतनी इनकम नहीं है। मैं काफ़ी टेंशन में रहता था, मतलब मेरे फेस पे कभी मुस्कुराहट नहीं होती थी। तो मेरा एक रूममेट था, वो मुझे ऐसे बोलता था विशाल यू आर अ ग्रम्पी फेस। मैंने कहा ग्रम्पी फेस मतलब तुम हमेशा एक तरह से खुश नहीं रहते हो, हमेशा तुम एकदम परेशान टाइप के दिखते हो। और ये काफ़ी सालों तक मेरे साथ था, ये मतलब इस लेबल्स पे ही मैं चलता गया कि मैं आई वॉज नॉट हैप्पी, लाइक लॉट ऑफ टाइम्स आई वॉज वेरी सीरियस इन नेचर। देन सडनली यू नो वाइल वर्किंग मैं अपना काम कर रहा था, आई वर्क एज अ फोटोग्राफर, मेरा काम मेन लिया है कि लोगों की अच्छी फोटोज़ खींचना। सो मेरे कस्टमर ने मेरे को एक लेबल दिया कि यू हैव अ एवर स्माइलिंग फेस। ये दोनों अपोजिट लेबल्स हैं, एक बंदा मेरे को बोल रहा है कि यू आर अ ग्रम्पी फेस, एक बंदा बोल रहा है कि यू आर अ एवर स्माइलिंग फेस। अब मेरे पास ऑप्शन है कि विच लेबल आई वॉन्ट टू लिव विद, कौन सा लेबल मेरे को हमेशा अपने साथ रखना है, लाइक ग्रम्पी फेस और स्माइलिंग फेस। एंड आई चोज टू बी अ स्माइलिंग फेस, आई चोज कि यार यार दिस इज़ अ बेटर लेबल और दिस दिस इज समथिंग दैट सूट्स विद मी, सो आई वुड लाइक टू कीप दिस। रेस्ट आई वुड लाइक टू डिक्लाइन, लाइक इफ समवन सेज दैट यू आर अ ग्रम्पी फेस, ओके फाइन आई मे बी अ ग्रम्पी फेस बट आई एम नॉट नाउ, इट्स ओवर, सो आई वुड गो विद अ स्माइलिंग फेस, दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ लॉट ऑफ पीपल लाइक से देर इज अ हजबेंड वाइफ, दे हैव अ फाइट, एनी प्रॉब्लम, दे हैव सम मे बी अ फाइट, एंड सडनली द फैमिली मेम्बर से दैट देर आर ट्रबल्स इन देयर रिलेशंस और यू नो दे आर ऑलवेज फाइटिंग लाइक दैट। सो दिस लेबल एक्चुअली हिट्स देम वेरी हार्ड बिकॉज देन दे आर लाइक प्रोग्राम्ड कि मुझे ऐसे ही बिहेव करना है, आई हैव टू लाइक फाइट लाइक मोर ऑफन। बट द पॉइंट इज दिस दैट यू गॉट टू डिसाइड, यू हैव टू चूज योर लेबल्स। आप अपने सराउंडिंग्स को अपने लेबल्स मत डिसाइड करने दो, खुद चूज करो कि तुम्हारे लिए पॉजिटिव लेबल्स क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं जो आप रखना चाहोगे अपने साथ, और क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जो तुम हटाना चाहोगे। माई रिक्वेस्ट टू यू इज जस्ट सेलेक्ट पॉजिटिव लेबल्स। थैंक यू।